हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम की रेसिपी। तो मशरूम की रेसिपी के लिए मैंने पहले लिए दो प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पे लिया है एक बड़ा साइज़ का शिमला मिर्च, जिसको भी मैंने इस टाइप में चार कोने टाइप में काट लिया है, ऐसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद मैंने पानी में डाल दिया है। अब मैंने यहाँ ले लिया है पतीले में मशरूम। तो ये दो पैकेट मशरूम है जो कि मैं कल लेके आई थी। दो पैकेट मशरूम को मैंने अच्छे से दो हिस्से में काट के धो के फिर इसको मैंने उबालने डाल दिया है। जैसे कि आप देख पा रही उबल रहे हैं। उबलने के बाद मैं इसका पानी को फेंक दूंगी, तो मैं आपको इसका फुल रेसिपी दिखाऊंगी। तो ये मेरा मशरूम उबल रहा है, इसे अच्छे से उबाल लूंगी गर्म पानी से के उबाल के पानी को फेंक के, उसके बाद मैं इसको मशरूम को बनाऊँगी। तो आप मेरे साथ बने रहे इसी तरह, मैं आपको पूरा फुल रेसिपी दिखाऊँगी मशरूम की आज। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरे मशरूम उबल गया है, पूरी तरह से उबल गया है। अब इसको मैं ढक के थोड़ी देर 5 मिनट बाद इसको ढक के 5 मिनट रख के उसके बाद इसका पानी को मैं फेंक दूंगी। उसके बाद मशरूम रेडी करूंगी, मशरूम की रेसिपी। तो चलो चलते हैं फटाफट मशरूम बनाने। फ्रेंड्स, मैंने ले लिया कढ़ाई, चला दिया है मैंने गैस पे, गैस ऑन कर दिया, गैस कढ़ाई चला दिया और 4 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया। तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूँगी तेज पत्ती। तो तेल मेरा गर्म हो रहा है, तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी तेज पत्ता। तेज पर डाल दिया और एक सूखी मिर्च को मैंने बीच में से फाड़ कर चीर के डाल दिया। अब डालूंगी इसमें 1 चम्मच जीरा। ये कैसे बात है? अब इसमें डालूंगी मैं छोटी 1 चम्मच जीरा। हेलो, अब इसको ब्राउन होने तक रखूंगी। अभी ब्राउन हो गया, अब मैं डाल दूंगी इसमें प्याज। तो अब मैंने इसे प्याज डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज को। बाबू, फ्रीज में से मटर ले आओ। मटर भी डालते ना, मटर मशरूम तो बनता है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी मटर। मटर भी साफ साफ फ्राई हो जाएगा, प्याज के साथ मटर फ्राई होगा, क्योंकि आपके मटर जो है कि पक जा रहे हैं, मीठा नहीं होता है, कच्चा होता है, तो टाइम लगता है फ्राई होने में। तो मैं प्याज के साथ ही मटर को भी फ्राई कर लूँगी, साथ में ही फ्राई हो जाएंगे दोनों। तो साथ में मैंने इसमें अब मटर भी डाल दे रही हूँ, प्याज के साथ मटर भी फ्राई हो जाएगा। एक मिनट बाबू, तुम ठंडा है पानी, कितना हाथ में डाला ठंडा पानी में, पानी बहुत ठंडा लगा। खाना बनाना जरूरी है। तो गाइस, मैंने मटर को भी धो के डाल दिया है और मटर में को प्याज, तब तक मेरे प्याज फ्राई होगा, साथ में मटर भी फ्राई हो जाएंगे। बहुत इसको अच्छे से फ्राई करूँगी ब्राउन तक, ब्राउन होने तक इसको मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च होता है हल्का, वो काफ़ी जल्दी पक जाता है, इसमें शिमला मिर्च लेट ही डालूंगी। जब तक जब ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च डालूंगी। चलो अब इसको थोड़ी देर रख देते हैं पकने के लिए। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे मटर और मेरे प्याज काफ़ी अच्छे से लाइटली फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च, क्योंकि थोड़ा डाल दूंगी इसमें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी थोड़ा साथ में अच्छे से उसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक और हल्दी। नमक हल्दी डालने की जल्दी पक जाता है, तो इसको अच्छे से फ्राई कर लूँ पहले, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऐसे कैसे भाग रही तुम फटाफट, मैं सब्जी भी जा रहे हैं। तो इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे मैंने हरी मिर्च भी डाल दिया है बीच में से चीर के, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
करना फोन ना। अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक और हल्दी, नमक और हल्दी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। पहले इसमें डालूंगी मशरूम, उसके बाद डालूंगी नमक और हल्दी। चलो इसको ये अच्छे से फ्राई हो चुका है मेरा फाइनली। ज़्यादा नहीं पकाऊंगी और इसमें डाल दूंगी मशरूम, जो मैंने मशरूम पहले से उबाल के रखी थी ये अभी मशरूम में डाल दूंगी। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी हल्दी और नमक। हल्दी नमक डाल के फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डालूंगी दो चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। और पानी गर्म कर रखा है मैंने, ले लो। तो गाइस ये देखो मैंने इसमें हल्दी और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ले आना। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। अब इसमें डालूंगी मैं 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। मम्मा मैं नहीं डाला। और 1 चम्मच डालूंगी इसमें मैं मिर्च पाउडर। टमाटर के ऊपर धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, उसके बाद हम इसको अब ढक देंगे। फिर थोड़ी देर बाद इसको मिक्स करेंगे तो मेरा टमाटर गल जाएगा। तो गाइस चलो अब इसको कर लेते हैं मिक्स अच्छे से। ज़्यादा ठंड कर दी, इतनी ठंडी कर दी काफ़ी धुआं छोड़ रहा है सब्जी में, वीडियो भी फ्लैश नहीं हो पा रहा है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको जितना चाहे आप ढक ढक के बनाइए जब तक कि टमाटर ना गले। टमाटर गलने तक इसको आप ढक ढक के बनाइए, क्योंकि फाइनली ये बन चुका है कि मशरूम हमने उबाल लिया था, वेजिस हमने पहले फ्राई कर लिया था, तो ये बन चुका है। बस इसको हम ढक के इसलिए पकाएंगे जिससे कि जो हमें जो लास्ट में टमाटर जो मसाला आया था उसका कच्चापन निकल जाए, इसलिए हम इसको ढक ढक के पकाएंगे अच्छे से। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और इसको हम ढक देंगे। तो बंद कर दिया। तो इसको हम 2 से 3 मिनट तक भी ढक के रखेंगे, उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। ये है आज का मेरा मशरूम का रेसिपी। तो गाइस कमेंट करके बताना ये कैसे बनाए मेरा मशरूम का रेसिपी।